नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना और आज हम आपको बताने जा रहे हैं नोटबंदी का सबसे बड़ा घोटाला, किस तरह हवाला का धंधा फल फूल रहा था ये भी हम आपको बताएंगे। और जगह है कहां? मध्य प्रदेश का कटनी शहर, जहां पर हवाला कारोबार का अड्डा बना दिया गया है। बड़ी बात यह है कि करीब 600 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद शक की सुई राजनेताओं से लेकर बड़े बड़े व्यापारियों तक पर उठ रही है। अब सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि मामले से पर्दा उठाने वाले एसपी का अचानक तबादला कर दिया गया। तो कौन है इस काले धंधे का मास्टरमाइंड? किसके इशारों में यह खेल बरसों से जारी रहा था और क्यों इस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं हुई? इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खुलासे की सबसे बड़ी रिपोर्ट। कटनी में हुए हवाला कारोबार ने पीएमओ को भी हिला दिया है। जहां कटनी में 500 करोड़ के हवाला कारोबार के खुलासे के बाद इस मामले की जांच पर सवाल उठ रहे थे। मामले की शिकायत जब पीएमओ तक पहुंची तो प्रधानमंत्री कार्यालय फौरन हरकत में आया और अब पीएमओ ने इस मामले में सीएमओ से रिपोर्ट तलब कर ली है। मामले को उजागर करने वाले रजनीश तिवारी ने इस मामले की शिकायत पीएमओ से की थी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले रजनीश तिवारी को एक फर्म का मालिक बताकर उसके बोगस अकाउंट से करोड़ों का लेन देन किया गया। रजनीश तिवारी ने पीएमओ से शिकायत की थी कि हवाला कारोबार की जांच कर रही एसआईटी के अधिकारियों पर दबाव बनाकर जांच प्रभावित की जा रही है। पीएमओ के हरकत में आने के बाद अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही ईडी की टीम भी मध्य प्रदेश में दस्तक देगी और बहुत मुमकिन है कि ये टीम सरावगी बंधुओं के ऑफिस से जब्त 27 बोरी दस्तावेजों की जांच भी करे। आपको यह भी बता दें कि सरावगी ब्रदर्स के यहाँ बोरियों में यूएई की कई फर्मों से लेन देन का लेखा जोखा मिला है और जांच में ये फाइलें कई राज भी उगल सकती हैं। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि अगर जांच निष्पक्ष हुई तो मामले में सत्ताधारी दल का एक बड़ा नेता बेनकाब हो जाएगा। इस मामले में जांच पर शक इसलिए भी हो रहा है कि केस की जांच कर रहे एसपी गौरव तिवारी का तबादला कर दिया गया, जबकि उन्होंने कुछ ही दिन पहले पदभार संभाला था। आपको ये भी बता दें कि कटनी के एक्सिस बैंक में 32 बोगस फर्मों के नाम पर पूरा कारोबार चल रहा था। पुलिस ने जब बताई गई फर्मों के पतों पर दबिश दी तो ना तो वहां कोई फर्म मिली और ना ही उसका कोई मालिक। अब आपको बताते हैं उन फर्मों के बारे में जिन बोगस कंपनियों के बारे में जानकारी पुलिस को मिली है। एसके मिनरल्स और उससे जुड़ी बीना ट्रेडिंग कंपनी, शिव आराधना एंटरप्राइजेस, प्रभु वंदना एंटरप्राइजेस, सियाराम मिनरल्स, प्रजापति एंटरप्राइजेस, राधा स्वामी एंटरप्राइजेस, बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, गणपति ट्रेडिंग, व्यापार ट्रेडिंग, यूनिक ट्रेडिंग और श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी। इसके अलावा भी कई और कंपनियां जांच के दायरे में हैं। अब मामला पीएमओ के पास है और सीएमओ से जवाब तलब हो चुका है। देखना होगा कि इस हवाला के खेल में कौन कौन से बड़े नाम हलाल होते हैं। प्रतीक अवस्थी, जी मीडिया, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश में नोटबंदी का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है और 600 करोड़ रुपए का यह घोटाला है। कई नाम इसमें सामने आ सकते हैं, राजनेताओं से लेकर बड़े बड़े व्यापारी तक इसमें जिनके नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन आखिरकार इतना बड़ा घोरक धंधा कैसे फल फूल रहा था इतने सालों से और किसी को इसकी कानों कान खबर नहीं हुई? सबसे पहले मैं रुक करूंगी मेरे सहयोगी भोपाल से प्रवीण दुबे का। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका तारुफ भी आपसे करा दे। हमारे साथ बीजेपी से स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, साथ ही कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन के मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जो रिपोर्ट हम तक पहुंचाई प्रवीण दुबे ने, उनसे जानना चाहेंगे। प्रवीण, इतना बड़ा घोरक धंधा नोटबंदी का सबसे बड़ा घोटाला, हम इसको कह सकते हैं 600 करोड़ रुपए का, मध्य प्रदेश के कटनी से, कैसे इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ है? कैसे जांच की सुई वहां तक पहुंची जहां पर इस पूरे गोरख धंधे को फला फूलने की कोशिश की जा रही थी? और अब फिलहाल किन किन लोगों की गिरफ्तारी हो पाई इसमें? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा पीछे है। ये एसपी जो गौरव तिवारी है, उनकी फंक्शनिंग के कारण इतना बड़ा खुलासा हुआ। 30 मार्च
2016 को एक व्यक्ति ने कंप्लेंट कराई पुलिस के पास कि उसके खाते में अचानक से पैसे आए और उसका ट्रांजैक्शन दिखाया गया और इनकम टैक्स ने नोटिस दिया। पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया क्योंकि तब गौरव तिवारी पोस्टेड नहीं थे। 5 जुलाई उनकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई कटनी में। 7 दिन के अंदर उन्होंने इसमें FIR रजिस्टर की। उस मामले की वो मॉनिटरिंग खुद करते थे और अचानक उनको उनके पास एक दो कंप्लेंट और आना शुरू हुई नोटबंदी के बाद, तो उन्होंने फिर तेजी से इस पूरे मामले को की इन्वेस्टिगेशन खुद से शुरू की और तब उन्हें पता लगा कि किसी के खाते में 58 करोड़ रुपए तक मैक्सिमम जमा हुए, किसी के में 19 करोड़ रुपए, यानी इतने बड़ा अमाउंट जो है, और उनमें कोई प्लम्बर था, कोई उनका कर्मचारी था, कोई चौकीदार था, ये कैसे हुआ। और पूरी वो जो कड़ी है वो बनाते चले गए। हमारे जो सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि 2-1 दिन के अंदर SP गौरव तिवारी अरेस्टिंग भी शुरू करने वाले थे और शायद सबसे पहली अरेस्टिंग सरावगी ब्रदर्स की होती। और यही वजह है कि जो वो क्लोज हैं BJP लीडर्स के, और यही कारण एक माना जा रहा है कि उनका गौरव तिवारी का तबादला कर दिया गया। जी, गौरव तिवारी का तबादला किया गया क्योंकि इस मामले में शिकायत उन्होंने PMO से की थी। तो बहुत बड़ा मामला है, लेकिन ये प्रवीण ये भी जानना चाहेंगे, ये जो पूरा घोरक धंधा था, आपने कहा था कि मामला सामने कैसे आया, लेकिन असल में ये ताज़ा मामला तो नहीं लगता है। आखिरकार ये चल कब से रहा था, कब से शुरुआत हुई थी इस पूरे मामले की? जी, मैंने बताया आपको, ये मार्च में सबसे पहली बार प्रकाश में आया ये पूरा मामला, और उसके बाद कड़ियां जुड़ती चली गईं, और इसमें तेजी तब आई जब नोटबंदी शुरू हुई। और इसमें ये बात जरूर हम कह सकते हैं कि ये इसमें एक जो इन्वॉल्वमेंट है वो बैंक का भी है, और SP इस पूरी फंक्शनिंग पे भी काम कर रहे थे। एक एक्सिस बैंक में सबसे ज़्यादा खाते थे, और ये जाहिर सी बात है कि कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक की जानकारी के बिना या बैंक के इन्वॉल्वमेंट के बिना इस बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता। छोटा मोटा ट्रांजेक्शन तो लोग कर लेते हैं, इतने बड़े पैमाने पे इन्वॉल्वमेंट के ट्रांजेक्शन बिना बैंक के इन्वॉल्वमेंट के नहीं होता। इस लाइन पे भी वो काम कर रहे थे, हालांकि अब नहीं लगता जिस तरह से उनका ट्रांसफर हुआ है कि जो आप पुलिस की जांच में वो तेजी होगी, क्योंकि PMO में कंप्लेंट दरअसल पुलिस ने नहीं की थी, एक एप्लीकेंट ने की थी कि उसके खाते में इतने सारे पैसे आए और इसकी जाँच होनी चाहिए। तो अब जांच करेगा जो नए पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचे हैं, वो जांच करेंगे, तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनकी स्पीड कैसी होती है इन्वेस्टिगेशन की। वाकई सवाल कहीं उठ रहे हैं और सवाल के जवाब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आप सही ढंग से दे पाएंगे, इसलिए शुरुआत आप ही से करूंगी। ऐसा सूबा जहां पर सरकार BJP की है, वहां पर इतना बड़ा घोटाला सामने आता है, और बात होती है नोटबंदी के बड़े घोटाले की, उसके बाद जो सबसे बड़ा घोटाला सामने आता है, आखिरकार इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था, हवाला कारोबार चल रहा था, किसी को कानों कान खबर क्यों नहीं हुई? नहीं, देखिए, ये जो एक्सपोजर्स हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से जागरूक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम में जो ब्लैक शीप्स हैं वह इस सिस्टम्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे रिजर्व बैंक में हो, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में हो, और उसी के कारण ये जो पूरा जो पिछले 10-15 साल से जो स्ट्रक्चर बन गया है पूरे देश में का सरकारी कर्मचारियों का, पूरा भ्रष्टाचारों को लिंक जो बन रहे थे, उसी के खिलाफ तो ये सारा अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का। और यह जितने एक्सपोजर्स हो रहे हैं, जो आप अलग अलग जगह पे चाहे मीडिया दिखा रहा है या अलग हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि सरकार जागरूक है और उस पर एक्शन ले रही है। क्या ये पूरी घटनाक्रम इस तरह के पहले भी होते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब जाया करते थे, और अब उसको पूरी तरह से, आपने सही बोला गोपाल जी, कि अब उजागर हो रहा है, लेकिन उजागर नाम हो रहा है सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नाम का भी, उस पर आप क्या कहेंगे, क्यों ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, क्या कोई मिलीभगत है इस पूरे मामले में? नहीं, जो भी प्रधानमंत्री बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि किसी भी, चाहे पार्टी का या चाहे सरकार का, चाहे अपोजिशन का, कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पे अगर किसी भी किसी भ्रष्टाचार की या किसी तरह की इन गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, वह उसको छोड़ा नहीं जा रहा। मैं एक आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ, पिछले 2.5 साल में लगभग 92 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी कर्मचारी जो किसी ना किसी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए या जिनके ऊपर शक की सुई है, या तो वो ट्रांसफर हो गए, सस्पेंड हो गए, या उनका उनके ऊपर सजा की गई है। आप देखें ना, आप तमिलनाडु में चीफ सेक्रेटरी को भी उसके ऊपर भी एक्शन लिया, नहीं तो वो इतने पावरफुल लोग थे ब्यूरोक्रेट्स और ये लोग जो पॉलिटिशियंस, वो सब
इतने पावरफुल थे, इन्होंने सिस्टम पे इतना ग्रिप रखा। आपका कहना है कि राजनेता जो इसमें शामिल हुए हैं उनको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी, वो समय आने पर पता चल जाएगा? कोई मिलीभगत सामने नहीं आ पा रही, कुछ नाम सामने नहीं आ पा रहे, तो एक्सपोजर होता है तभी कार्रवाई होती है। और आप ये देखिए, डिमोनेटाइजेशन से ही ये लोग क्यों, नहीं तो घर में पढ़ के रखे रखते थे, गद्दों में, तहखानों में, पूरे काले धन की जो प्रक्रिया डिमोनेटाइजेशन के कारण ही तो बैंक में जमा करना पड़ा। आज एक रिपोर्ट आई है कि 3 से 4 लाख करोड़ का लगभग लोगों ने पैसा बैंकों में जमा कर दिया, जो कि काला धन है, और इसकी इनकम टैक्स और ईडी को इंफॉर्मेशन है। अब उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इंफॉर्मेशन होना, आरोपों का लगना प्रूफ नहीं होता, उसके बाद पूरी प्रक्रिया चलती इन्वेस्टिगेशन की। जब उस प्रक्रिया में ऑडिट ट्रेल आती है और सरकार के पास प्रूफ आते हैं, तब उन पे एक्शन लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या एक्शन लिया जाएंगे गोपाल कृष्ण जी, आपसे जानेंगे। लेकिन के मिश्रा जी, आप भोपाल में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, जो इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, यहाँ पर बीजेपी तो कह रही है कि तमाम कार्यवाही जरूर की जाएगी, लेकिन बड़े राजनेताओं का नाम सामने आना, नोटबंदी के बाद ऐसा मामले सामने आना, जो कि बीजेपी के एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज था, जिससे कि ब्लैक मनी को हटाने की बात हो रही थी, आपको लगता है कि ये पूरा पर्पज ही डिफीट हो रहा है? और जो सरकार ने सोचा था कि हाँ काले धन के आकाओं पर लगाम लगा पाएगी, वो नहीं हो पा रहा है? स्वाति जी, देखिएगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ नोटबंदी जैसा निर्णय लिया है, जिससे पूरा देश हलाकान है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में सरकारी आंकड़ों में नंबर एक है। नोटबंदी के बाद 2000 रुपयों के नए नोट की रिश्वत लेने का मामला भी सबसे पहला पूरे देश में मध्य प्रदेश में हुआ। और आप जो कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद ये कटनी का सबसे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है, मैं इसमें आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ी सुधार की, कि ये तो मध्य प्रदेश के सिर्फ एक जिले कटनी का है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, ये जो बड़ा महानगर की शक्ल ले चुके हैं शहर, इन शहरों में भी इससे अधिक काले धन को सफेद किया गया है। और वो काला धन जो सफेद हुआ है, वो मंत्रियों, प्रदेश के मुखियाओं और भ्रष्ट नौकरशाहों का है। आने वाले दिनों में उसके प्रमाण भी अब सामने आएंगे कि अभी अभी क्या प्रमाण देंगे आपके के मिश्रा जी, क्योंकि आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। सिर्फ यहाँ पर कटनी की बात आते हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर का आपने मामला उठाया है, कौन कौन लोग है जो इसमें लिप्त पाए गए हैं, क्या आपके पास कुछ नाम है, कुछ आंकड़े हैं आपके पास? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश के मीडिया ने लिखा है कि हु इज संजय पाठक। संजय पाठक कौन है? संजय पाठक अपने बिजनेस को बचाने के लिए कांग्रेस से भाजपा में गए हुए नेता हैं। वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध के बाद मंत्री पद पर काबिज कैसे हुए? उसमें कितने करोड़ों रुपयों का लेन देन हुआ है? वो लेन देन करने वाले कौन है? लास्ट मोमेंट पर 3 घंटे तक उनको मंत्रिमंडल में लेने के लिए मशक्कत किसके बंगले पर हुई है? जी, जी। प्रदेश यह भी जानना चाहता है स्वाति जी। और इतना बड़ा घोटाला, और मैं तो और बड़ा रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता की गिरफ्तारी गौरव तिवारी आज करने वाले थे। उन पर दबाव था कि अमित शाह की जबलपुर की यात्रा आप निपट जाने दें, फिर आप करिएगा। उसके पहले ही अमित शाह की यात्रा समाप्त हुई, और अमित शाह जी की यात्रा समाप्त होते ही गौरव तिवारी का स्थानांतर हुआ। गौरव तिवारी वो ईमानदार अधिकारी हैं जिनका 6 माह में दूसरी बार ट्रांसफर हुआ है। पहले बालाघाट, जहां उन्होंने लकड़ी माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया था, तो उन माफियाओं ने दबाव में उनका ट्रांसफर कराया। और अब जब ये काले को सफेद धंधा करने वाले माफिया लोग हावी हुए हैं, उत्खनन माफिया हावी हुए हैं, माइंस माफिया हावी हुए हैं, तो उनको एक रात में ट्रांसफर करने